फिरौन की लाश पर चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पर बहुत जुल्म ढाए थे। फिरौन दरअसल उस वक्त के बादशाहों का लकब था, यानी जो भी बादशाह बनता था उसे फिरौन कहा जाता था। फिरौन का असल नाम रैमसेस था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही लाडले नबी थे, जो अल्लाह ताला से जिद किया करते थे और अल्लाह ताला भी उनकी हर जिद पूरी करता था। मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर दरिया नील पर पहुँचे तो फिरौन भी अपने लश्कर को लेकर इनका पीछा करने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब फिरौन के लश्कर को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, फिरौन हमें नहीं छोड़ेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा दरिया नील पर मारा, जिसकी वजह से दरिया नील ने उन्हें रास्ता दे दिया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को रास्ता पार करवा दिया। ये सब देखकर फिरौन भी अपने लश्कर के साथ दरिया में उतर गया और अल्लाह ताला के हुक्म से दरिया पूरी रवानी के साथ चल पड़ा और फिरौन को उसके लश्कर समेत डुबो कर हलाक कर दिया। इस सारे वाकये को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुछ इस तरह से बयान किया है, और हमने बनी इसराइल को दरिया पार करवा दिया तो फिरौन और उसके लश्करों ने सरकशी के साथ इनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब वो गर्क होने लगा तो कहने लगा, मैं उस पर ईमान लाया जिसका कोई माबूद नहीं, जिस पर मूसा ईमान लाए हैं, जिस पर बनी इसराइल ईमान लाई है, उससे कहा गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तू नाफरमान रहा और तू एक फसादी था, और आज हम तुम्हारी लाश को बचा लेंगे ताकि बाद में आने वालों के लिए इबरत बन सके, और बेशक लोग हमारी निशानियों से जरूर गाफिल हैं। कुरान पाक की इन आयात में फरमान इलाही है कि हम फिरौन की लाश को बाकी रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोग इसे देखकर इबरत पकड़ सकें, वो भी देख लें कि खुदाई का दावा करने वालों का क्या हाल होता है। फरमान इलाही के ऐन मुताबिक फिरौन का ममी शुदा जिस्म दरियाए नील के करीब तस्बीहा के मुकाम पर शामू की आबादी से दरियाफ्त हुआ, जिसके बाद इसे काहिरा मुंतकिल कर दिया गया और उस वक्त से ये ममी काहिरा के अजायब घर में मौजूद है। इसके सर और गर्दन खुले हुए हैं और बाकी जिस्म पर पट्टियां की गई हैं। एक रिसर्च के बाद पता चला कि इसकी नाक के आगे वाला हिस्सा इसके जिस्म के साथ मौजूद नहीं है, जिसे किसी चीज ने काट लिया था। हो सकता है कि इसकी नाक का अगला हिस्सा दरिया की मछली ने खा लिया हो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसकी लाश को दरिया के किनारे फेंक दिया गया ताकि दुनिया भी जान ले कि ये था फिरौन। फिर जून 1975 में डॉक्टर मोरिस ने मिस्री हुकूमत की इजाजत के बाद फिरौन के उन हिस्सों का जायजा लिया जो उस वक्त ढके हुए थे। इस डॉक्टर ने उसकी तस्वीरें उतारी, फिर आला दर्जे की मुसवरी के जरिए उन तस्वीरों का मुताला किया गया। इन तहकीकात से हासिल होने वाले नतायज ने तमाम मफरूजों को तकवीत बख्शी, जो मफरूजे इसकी लाश को महफूज करने के लिए कायम किए गए थे। इन तहकीकात के रिजल्ट के मुताबिक फिरौन की लाश ज्यादा अरसे तक पानी में नहीं रही थी। अगर कुछ और मुद्दत तक फिरौन की लाश पानी में डूबी रहती तो इसकी लाश खराब हो सकती थी, हत्ता कि अगर ये लाश पानी के बाहर भी पड़ी रहती तो भी मुमकिन था कि ये लाश खराब हो जाए, क्योंकि ये फैसला अल्लाह का था कि फिरौन की लाश को महफूज रखा जाएगा, तो भला ये लाश कैसे खराब हो सकती थी। फिर इसके बाद रिसर्च की गई कि क्या फिरौन पानी में डूब कर मरा था या इसकी वजह कोई और थी। इस तहकीक के लिए लाश को पेरिस ले जाया गया और वहाँ की लीगल आइडेंटिफिकेशन लेबोरेटरी के मुताबिक डॉक्टर स्कार्डी ने तहकीकात के बाद बताया, इस लाश की फौरी मौत का सबब वो चोट थी जो इसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से पर लगी थी, क्योंकि इसके खोपड़ी के मेहराब वाले हिस्से में काफी बड़ी खला मौजूद है, और ये तमाम तहकीकात आसमानी किताब में बयान करदा फिरौन के डूबकर मरने के वाक्य की तस्दीक करती हैं, जिसमें बताया गया है कि फिरौन को दरिया की लहरों ने अपनी चपेट में ले लिया था। इसके अलावा मिस्र में पुराने जमाने में लोग लाशों को इस तरह का मसाला लगाते थे कि जिससे लाशें महफूज रहती थीं। इनमें से कुछ ममियों के जिस्म आज भी पड़े हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जिन पर से पट्टियां उतार दी गई हैं, लेकिन आज तक की तमाम ममियों में से फिरौन की लाश एक ऐसी लाश है जिस पर गोश्त आज भी तरोताजा है। इस लाश के बारे में ये भी कहा जाता है कि म्यूजियम में आज भी वहाँ पर चूहे रखे गए हैं, जो हर साल की 15 मार्च को इसके जिस्म से गोश्त खाते हैं। जब इसका बड़ा हुआ गोश्त चूहे खा लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी ड्रेसिंग की जाती है और इसे दोबारा शीशे में बंद कर दिया जाता है। इन तमाम तहकीकात के बाद पता चलता है कि अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को महफूज करने का एहतमाम किया था, जिसकी वजह से फिरौन की लाश आज भी बहुत ही अच्छी हालत में मौजूद है, और आखिरकार इसे 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया, और ये क्यामत तक के आने वाले तमाम लोगों के लिए सामान्य इबरत रहेगा। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि हमें गुरूर से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये फिरौनी सिफत है जो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।